खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मुकद्दस योहन्ना के मुताबिक मुकद्दस योहन्ना के इंजील उसका 13वां बाब उसकी पहली आयत से 15वीं आयत तक सब जरा गौर से आज सुनेंगे। उस वक्त ईद फसा से पहले यीशु ये जानते हुए कि मेरा वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रेलत करके बाप के पास जाऊं, जबकि अपनों को जो दुनिया में थे प्यार करता रहा और उन्हें आखिर तक प्यार करता गया, और शाम का खाना खाते वक्त जबकि शैतान ने यहूदा बिन शमाउन अस्करयूती के दिल में डाला था कि उसे पकड़वाए, ये जानते हुए कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी और कि मैं खुदा से निकला और खुदा के पास जाता हूँ, उसने खाने से उठकर, गौर से सुने, उसने खाने से उठकर अपना लिबास उतारा और एक कतानी कपड़ा लेकर अपनी कमर में बांधा और बेसन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए, और कतानी कपड़ा कमर में बांधा था उससे पूछने लगा। पस वो शमौन पतरस के पास आया और उसने उसे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कुछ मैं करता हूं अब तू नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा हिस्सा नहीं होगा। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं, मेरे हाथ और मेरा सर भी। इससे दी गल आ गई है ना, पहले कहता है मैं नहीं, हम इससे दी गल आई तो की कहना है, हाँ सिर्फ पैर ही नहीं, मेरे हाथ भी और मेरा सर भी। यीशु ने उसे कहा, जो नहा चुका उसे धोने की हाजत नहीं है, बल्कि सरासर पाक है। तुम भी पाक हो, लेकिन सबके सब नहीं, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका, अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मैंने उस्ताद और खुदावंद होकर तुम्हारे पांव धोए, तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी किया करो। पाक अंजील के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। मसीहत में रजीजो, अज पाक जुमे रात ते सारू यसु दे आखरी खाने दी याद, पाक यूक्रिस्त दी ईद ते कहना दी ईद बहुत बहुत मुबारक होए, बहुत मुबारक होए। जेडे अंजी बैठे उन्होंने समझ नहीं लगी मैं क्या की है,
इस लिए उन्हें गल्लां करदे गल गवाती है। सो अगर गल्लां करदे गल गवानी फिर किसी चीज़ की समझ नहीं आनी। सो सब तो पहले अज पाक यूक्रिस्टी दे जिन्नी वरा कैथलिक कलीसिया दे मोमिनीन कैथलिक कलीसिया दे लोग जमायती तौर पर दुआ करते हैं हमेशा पाकमास की कुरबानी चढ़ाई जाती है। आमीन। ये केड़ी कुरबानी जिहड़ी यस्सू ने आखरी खाने के वक्त मुकर्रर की सी। रोटी लई तोड़ी तो अपने शागिर्दां नूं दित्ती ते की कहा सी, लो खाओ ये मेरा बदन है। तो फिर मैं लैके अपने शागिर्दां नूं प्याला दे के क्या, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। ते आखिर की क्या सी, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। सो आज पाक जुमे रात आज दे दिन ए पाक मास ए पाक यूक्रिस्ट यसु दे आखरी खाने दे वक्त मुकर्रर हुई। आखरी खाने दे वक्त केड़े दिन, पाक जुमे रात नो। ते आज की है, ते फिर आज दे दिन पाक यूक्रिस्ट मुकर्रर हुई। आमीन। ते आज फिर पाक यूक्रिस्ट दे ही दे हुण समझ के जोरदार तालियां ना पाक यूक्रिस्ट दी सारयां नू बहुत बहुत मुबारक हो। पाक यूक्रिस्ट कुर्बानी है यसू दी जो उन्हें पाक जुमे रात नू क्या पाक जुमे नू सलीब ते कर दिता, अपना बदन भी ते अपना खून भी सलीब उत्ते दे दिता। कुर्बानी पर कुर्बानी हमेशा चढ़ाने दे वास्ते हैकल दे वास्ते किसे बंदे दी लोड़ सी। मेरे अले ख्याल करो कुर्बानी चढ़ाने वास्ते किसे दी लोड़ सी। कौन शाबाश, ठीक है ठीक है, बोलो बोलो, हाँ शाबाश उच्ची बोलो। काहिन, काहिन दे अलावा कोई कुर्बानी नहीं सी चढ़ा सकता। ते काहिन कौन सन, लावी हारून दा घराना हो। इसराइल दे 12 कबीले सन, सिर्फ हारून दा कबीला हारून दा घराना जेड़े लावी सन जिन्ना चो काहिन मुकर्रर किए जाते सन सिर्फ ओ ही कुर्बानी चढ़ाते सन, होर कोई कुर्बानी नहीं सी चढ़ाता। पर पाक जुमे रात नूं जदों यसू मसीह ने नवी कुर्बानी चढ़ाई है, कोई बड़ा नहीं ज़बह किया, अपने आप नूं पेश किया है, लो खाओ ये मेरा बदन है। बरे दा नहीं, किदा बदन है, एक बार फिर बोल दियो, किदा किदा बदन यसु मसीह दा, किसे जानवर दा नहीं, ठीक है, बरे दा नहीं। यसु ने क्या, नहीं आज लोग खाओ ये मेरा बदन है। आप कुर्बानी चढ़ाई, आप काहिन, ते फिर क्या, लो पियो ये मेरा खून है, बरे दा नहीं मेरा खून है। सो यसू ने आज दे दिन पाक जुमे रात नू ए पाक मास दी कुर्बानी मुकर्रर की थी, जितों असी पाक शराकत लैने आ, ते पाक शराकत की है यसू दा पाक बदन ते यसू दा पाक खून है। आमीन। ईमान रख दियो कि नहीं, हाँ जी, यसू दा पाक बदन यसू दा पाक खून। पुराने ऐदनामे च जानवरों नू बरे नू ओदी कुर्बानी चढ़ाने वास्ते काहिन चाहिदा सी, पर हुण यसू ने अपने आप नू कुर्बान कर दिता। योना ने की कहा सी यसू नू वेख के, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को, यसू नू क्या, ए बर्रा है, वो जानवर नहीं, हुण ए बर्रा है, हुण किसे जानवर की कुर्बानी ना गुनाह नहीं माफ होने।
केड़े बरे दी कुर्बानी ना गुनाह माफ होने ने, बोलो जरा, यसु मसीह, देखो खुदा का बरा, यसु नु क्या देखो, अपने शिगिरदा नु कहना वेखो यसु नु, यसु जा रहा सी ना, शिगिरदा नु कहना वेखो ओ जा रहा, ओ खुदा दा बरा जा रहा, इस बरे दी कुर्बानी नाल दुनिया बचे दी ते गुनाहों दी माफी होवेगी। यसु ने नवी कुर्बानी मुकरर की, फिर इस कुर्बानी नु चढ़ाने वास्ते यसु ने अपने शगिरदा नु पहले काहिन मुकरर किया। यसु ने कहा सी ना, मेरी यादगारी के लिए कौन काहिन, केड़े काहिन, वो जेड़े ओहदे नाल बैठे शगिर्द सन उन्होंने क्या, मेरी यादगारी में ये ही किया करो, आइंदा तो तुसी काहिन हो, मैं तुहानू मसा करना, मैं तुहानू मखसूस करना, ते आइंदा एक कुर्बानी तुसी चढ़ाओगे, मैं तुहानू अपनी कहानी च शामिल करना। यसु ने कहा काहिन मैं वा, पर मैं अपना इख्तियार तुहानू देना, मैं तुहानू काहिन बनाना, अब्दी काहिन मैं वा, पर तुसी मेरी कहानत उहदे च हिस्सादार बन गया। यसु ने उन पतरस नू की कहा सी, जे तू पैर नहीं धोने तो की होएगा, मेरे साथ तेरा कोई हिस्सा नहीं होएगा। यसु ने काहिन, अब्दी काहिन यसु, ते अपनी कहानत दे विच इख्तियार यसु दा, अपने इख्तियार दे विच ए शगिरदा नू नवे अहद दे कहिन मुकर्र किया। उदो तो लैके कहानत शुरू हुई, नवे अहद की कहानत, पुराने अहद की कहानत हारून का घराना, पर हुण घराने चो नहीं, काहिन ओ जिन्हों यसु ने मसा किया ते मखसूस किया। इस वास्ते पहले शगिर्द पहले काहिन बने जिन्होंने पाक यूकरिस्त नू मना के अगे तक वधाया। इस वास्ते अज जिन्हें भी दुनिया के काहिन ने, जिन्हें भी दुनिया के किसी हिस्से च भी फादर होन, काहिन होन, वो यसु की कहानत च शरीक होंदे ने, यसु की कहानत च, यसु की कहानत जिहड़ी है ना उहदे च सब तो पहले ते शगिर्द वो शरीक होए ने, फिर उन्हां तो बिशप साहबान मुकर्र होए, पतरस की गद्दी ते पोप साहब बैठ गया, ते बिशमा बिशप साहबान दूसरे शगिरदां च, एक काहिन जड़े ने ये उस कहानी च मसा किते जांदे ने। मसीह विच मेरे जीजो, बिशप साहब यसु की कहानी च मसा किया जाता है, ते एक काहिन उस कहानी च शामिल ते शरीक हो के खुदा दे कलाम नू, खुदा दे पैगाम नू, इस पाक यूकरिस्त नू लोकां दे वास्ते चढ़ांदा है। इस वास्ते अज पूरी दुनिया में सारे काहिनां दी ईद भी है, अज पाक यूकरिस्त दी ईद भी है, ते अज सिर्फ यूकरिस्त नहीं मुकर्र रही, अज दे दिन ते कोई होर भी मुकर्र होया सी, कौन ते साडे लई भी तालिब जा। अज दुनिया भर के काहिना की ईद है, पूरी दुनिया च अज सुबह सारे काहिन बिशप साहब दे नाल मिलके ते पाक कुरबानी चढ़ाते ने। अज सुबह आर्च बिशप सिबेस्टियन फ्रांसिस शॉ दे नाल मिलके आर्च डायसिस ऑफ लाहौर दे सारे काहिना ने हर साल पाक जुमेरात नू सुबह पाकमा सुनदी है, ते पूरी दुनिया च सारे काहिन अपने बिशप साहब दे नाल मिल के पाकमास करते हैं। अज असी भी सारी सारिया ने सुबह मिल के बिशप साहब दे नाल पाकमास कीती है। अज दुनिया भर के काहिन अज दे दिन पाक यूकरिस्त मुकर्र होई, ते पाक यूकरिस्त नू चढ़ाने वास्ते काहिन चाहिए ने,
इस वास्ते अज काहिन भी मुकर्र होए, इस वास्ते अज सारी दुनिया दे विच है, पाक यूक्रिस दी भी ईद है ते सारे काहिना दी भी ईद है। इस वास्ते पाक यूक्रिस ते कहानत दो साक्रामेंटां दी ईद है, पाक यूक्रिस ते कहानत काहिना दी। एक बार फिर दोनों साक्रामेंट दे वास्ते जोरदार तालियां नाल बहुत बहुत मुबारक हो। हुण थोड़ा जिहा तवज्जो दे नाल सुनना पएगा अज दी पाक जुबेरात दे अज दे दिन दी अहमियत की है। ध्यान ना जी, बड़ी जबरदस्त गल है, अज सीखण वाली गल है। मैं बहुत तैयारी करके आया ताकि अपने लोगों नूं सिखा सकीए, असी सीख सकीए ते वाकई दिलों अज दे इस दिन दी कदर भी कर सकीए। अज दा दिन यहूदियां दी ईद फसा है। केड़ा दिन है जी? अज ईद फसा बोल दे एक बार। ईद फसा पते केड़ा दिन? जरा गौर ना सुनियो, ईद फसा है यहूदियां दा जश्न आजादी। साडा केड़ा दिन है जश्न आजादी दा? 14 अगस्त। यहूदियां दा ईद फसा दा दिन यहूदियां दा जश्न आजादी है। ध्यान ना सुनियो, केड़ी जश्न आजादी? यहूदी 430 साल मुल्के मिस्र च गुलाम सन। किन्ने साल जी? हाँ, 430 साल। 18 साल एक नस्ल बदल जाती है। 430 गिनती करो तो और किनिया नस्लां उन्होंने गुलामी च कढ़ियां। फिर खुदा ने मूसा दी राही खुदा ने वादा किया मैं तुहानू छुड़ावांगा। तो किदे कोलों छुड़ावांगा? फराउन। फराउन कौन सी? फराउन बादशाह सी मिस्र दा, बादशाह सी ते बड़ा बड़े जाबर बादशाह। खुदा ने ना अपने जोरे बाजू ना मुल्के मिस्र चों अपनी कौम नू कढ़िया, कौम नू कढ़िया। जदों कढ़िया ना ते खुदा ने कहा तुहानू मिस्रियां ने ना एडी छेती जान नहीं देना। ध्यान ना बहना, मैं तुहानू अज रात, ये खुदा ने उन्होंने कहा मैं तुहानू अज रात, ईद फसा की गल है, मैं तुहानू इस रात अज इस मुल्क चो कढ़ के ला जाऊंगा, पर तुहानू मिस्रियां ने एडी छेती जान नहीं देना। ते कित्थे तुहानू कढ़ के जावांगा? वादा कीती सरजमीन च। आमीन। याद आया खुदा ने आख्या मैं तुहानू इत्थों कढ़ लांगा ते वादा कीती सरजमीन च ला के जावांगा, पर मिस्रियां तुहानू आसानी दे नाल जान नहीं देना। ते मैं की करांगा? मैं एक काम करांगा, खुदा ने कहा मैं ना अज मौत दा फरिश्ता कलांगा। कदी वाकया पढ़िया कि नहीं? मौत दा फरिश्ता कलांगा, वो की करेगा? मिस्रियां दे पलौठे बेटियां नू मार देगा। वो सारे किधर लग जाएंगे? अपनियां लाशां सांभण। ते तुसी की करना? की करना? निकल जाना। दुराधा के समझ आ गई है? तुसी तुहानू मिस्रियां ने एडी छेती जान नहीं देना, इस वास्ते मेरा फरिश्ता गुजरेगा ते मिस्रियां दे पलौठे बेटियां नू मार देगा। उधर लगेंगे तुसी की करना? निकल जाना। यूदी कहन लगे खुदावंदा असीं भी उन्हां दे विच ही रहिंदे आ, साडे भी घर उन्हां दे विच ने, फरिश्ता आएगा किवें उहनूं की पहचान, किवें ओह फर्क किवें करेगा? ओह ना साडे भी मार दे। वेखो अपणिआं दा खौफ पै गया ना। ते खुदा ने की कहा? उहने आख्या इंज करो तुसीं की करना? किसे नूं याद है खुदा ने की कहा सी? बर्रा ज़बह करिओ, उहदा खून
पहले दरवाजे दे दाएं, फिर बाएं, फिर चौखट ते ला दें। ते फरिश्ता जो आएगा की करेगा, तुहाडे घरां नू बरे दा खून वेख के छड़ देवेगा, उहदे तो नंघ जावेगा, पार कर देवेगा। ते जिथे खून नहीं लगा उहनां दे पेलौठे बेटे मार देवेगा। ध्यान नाल मेरी गल सुनियो, अज खुदा ने सब तो पहलो फैमिली नू बचाया कि कौम नू बचाया? शाबाश बोलो, कौम नू बचा रहा कि पहलो फैमिली बची है? पहली फैमिली बची है, कौम ते बाद च लंघी है। खुदा ने पहले आख्या अपने घर महफूज करो, ते किवें महफूज करो? बरे दे खून दा नाल निशान ला दियो। खुदा ने अज दे दिन सब तो पहले यहूदी फैमिली नू, यहूदी घर नू, अपनी चुनी हुई कौम दे हर फैमिली नू महफूज कर दिता। ते कादे नू महफूज कीता है? बरे दे खून दे नाल। आमीन कि नहीं? आमीन। उहदे बाद कौम नू कढ के लैके गया है ते उहनू आजादी बख्शी है। इस वास्ते ईद-ए-फसा सब तो पहले यहूदियां दी एक कौमी ईद नहीं, सब तो पहले उन्हां दी कादी ईद होएगी। शाबाश सारे बोल दे, खानदानी ईद है। वह इनू खानदान च मनांदे सन। यहूदी ना दुनिया के किसे हिस्से च भी हुंदा सी ना, इस ईद के मौके ते अपने घर आउंदा सी। क्यों आउंदा सी? क्योंकि अज दे दिन खुदा ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਸ ਈਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਬੋਲੋ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਰ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਈਏ, ਤਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਈਏ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਈਏ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਆਪਣੇ ਘਰ। ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਈਦ ਫਸਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫੀਸਟ, ਘਰ ਦੀ ਈਦ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਈਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਇਸ ਈਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ। ਇਸ ਈਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਆਇਆ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਈਦ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਈਦ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ? ਹੈਕਲ 'ਚ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਈਦ ਮਨਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਅ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਸੂ ਮਸੀਹ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮਹਾਮਰੀਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹਦਾ? ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਯਸੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਹਰ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਅਗਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ
तो उत्थे अपने घर बनाते सन। अगर 20 किलोमीटर तो अंदर अंदर है फिर सारे खानदान ने यरूशलम जाना है तो उत्थे आके ईद मनानी है। पर किसे नू नाल नहीं सन मनाते, अपनी फैमिली च आप ईद करते सन। की करते सन? दो तीन चीज़ा। नंबर वन बड़ा जबा करते सन। नंबर दो कौड़ियाँ तरकारियाँ। तो कौड़ियाँ तरकारियाँ क्यों? खुदा ने आख्या सी कौड़ियाँ तरकारियाँ खाओ ताकि तुहानू भुले ना कि मिस्र दे विच तुहाडे ते बड़ियां सख्तियां आईयां सन। जिवें जिवें कौड़ी सब्जी खाओगे तो की याद आएगा? गुलामी। की याद आएगा? कि मिस्री तुहानू मारदे सन। की याद आएगा? कि मिस्री तुहाडे ते सख्तियां करदे सन। भुल्यो ना, अपने बुरे दिन भुल्यो ना। क्यों? ता जो शुक्रगुजार रहो कि मैं बुरियां दिनों चों बुरियां हालातों चों बुरी गुलामी चों तानू कढ लिया। इस वास्ते शुक्रगुजारी दे वास्ते वो गीत भी गाते सन, गीत गाते सन। यसू मसीह अपने नवे खानदान दे नाल शिगिरदां दे नाल आया ते वो भी खानदान वांगू मेज़ ते खाना खान बैठे। थोड़ी जी गल गौर ना सुनियो, अजे भी गल सीख के जानी है। मेज़ ते हमेशा घर वाले ते मालक बह के खाना खांदा सी। कदी भी गुलामां नूं मेज़ ते बह के खाना नहीं सर खांदे दे। कमियां नूं गुलामां नूं कदी भी मेज़ ते बह के खाना नहीं सर खान देंदे। वह कितने बह के खाना खांदे सन? जमीन ते। कितने? हाँ, जमीन ते। कदी भी मेज़ ते बह के नहीं। यसू मसीह ने की कीता है। हुण गौर नाल गल सुननी पैगी, क्योंकि कोई गुलाम मेज़ ते बह के खाना नहीं खा सकता, सिर्फ मालिक। गुलाम पुजे जमीन ते। यसू मसीह खाना खा रहा अपने शगिरदा ना बैठा, ते की कीता है? खाना खान तो पहले उठिया, अपने कपड़े जिहड़े उन्हें पाए सन उतार दिते। यहूदियां दे तीन चार कपड़े होंदे सन, जिहड़ा बाहर वाला गाउन सी ना वह यहूदी जरूर पहनते सन। यसू ने वह बाहर वाला गाउन उतार के रख दिता। वह मलकीयत का निशान सा, जे मलकीयत मालक होंदा वह उतार दिता। ते केड़ा काम करन लगा? जेड़ा काम गुलाम करते सन, जेड़ा काम गुलाम करते सन यसू वह करन लगा। केड़ा काम करन लगा? अपना बार वाला चोगा उतारिया, उन्हों रखिया, पानी मंगवाया ते पटका वालिया नाल। ते की करन लगा जी? बोलो जरा, किदे पैर धो लगा? शिगिरदां दे। एक कदी होया ही नहीं। शिगिरद उस्ताद दे पैर धोंदा है, उस्ताद नहीं शिगिरद दे पैर धोंदा। यसू ने तो सारा काम ही उल्टा कर दिता है, उल्टा। शिगिरद पैर धोंदा है कि उस्ताद? कौन धोंदा है? शिगिरद। यसू ने उल्टा ही दिता है। फिर और की? दूसरा, गुलाम पैर धोंदे ने मालिक दे, मालिक गुलामां दे पैर नहीं धोंदा कदी भी नहीं। यसू ने पहलो मालका वाला कपड़ा हंजी उतार दिता है ते की बन गया है? की बन गया? गुलाम बन गया है। क्यों? वो काम कर लगा जेड़े मालक नहीं करते, गुलाम करते ने। यसू की हलीमी, यसू की फरोतनी वेखो। कपड़ा उतारिया ते वार वारी अपने शगिरदां दे पैर धोते। इस वास्ते अज की ये इबादत बहुत अहम है, क्योंकि अज
काहिन जिवें यस्सू ने शागिरदां दे पैर धोते, अज मैं भी इन्हां भरावां दे पैर धोवांगा। मैं शुक्रिया अदा करना जिहड़े सारे अज आए हो, सारे मेरे भरावां वास्ते जोरदार तालियां दे, थैंक यू कि आप लोग आए हो, शुक्रिया। इस रात यस्सू ने अपने शागिरदां दे पैर धोते, पैर धोण दे बाद आखिरी खाना खाधा, एक काम होर कीता है, गौर नाल सुनियो, पैर धोते आखिरी खाना खाधा ते उहदे बाद शागिरदां नूं कहा आओ उठो, ते कित्थे चलीए, हाँ बोलो जरा, गतसमनी, बैठे नहीं रहा, तनहाई दी जगह, तनहाई दी जगह, दुआ दी जगह। इस वास्ते अज इस पाक मास दे बाद असी सारे उठांगे, पाक मास दे बाद जुलूस दे विच चर्च विच जावांगे। मैं शाबाश देना सारी इंतजामिया नूं, सारी बाऊ जी होरां नूं, कामी नूं, कामी दे सारी इंतजामिया नूं। अज बहुत सारे बच्चे नौजवान भी आए सन, जरा इन्हां सारयां ने उन्होंने बहुत खूबसूरत चर्च नूं सजाया, जोरदार तालियां इन्हां दे वास्ते, ते थैंक यू। नौजवान बेटे ते बेटियां भी सन, रियली मैं बहुत खुश होया कि एक आने वाली नस्ल अगे वध रही है। असी सारे इबादत दे बाद, बरकत दे बाद फौरन अपने घर नूं नहीं जावांगे। यस्सू मेज तो उठा ते गतसमनी बाग गया ते जाके दुआ कीती, ए बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे, पर मेरी मर्जी नहीं बल्कि, लिखा है तीन वारी मूंह दे बल डिग के दुआ कीती, ते जनाब पसीना की बन बन टपकदे सी, खून बन बन के, एडी शिद्दत दी दुआ। कुछ लोग कहते हैं जी पसीना किवें खून बन जाता है, अज साइंस कह रही है जो बंदा इन्ना डिस्टर्ब हो जाता है शिद्दत दे नाल कि उहदे मसान फट जाते हैं, उहदा पसीना खून बन के निकल सकता है, अज साइंस कह रही है जी ये मुमकिन है। मसीह विच मेरे जीजो, पाक शराकत दे बाद, बरकत दे बाद असी जलूस की सूरत चर्च विच जावांगे, उत्थे असी थोड़ी देर लई दुआ करांगे, फिर तुसी घर नूं जा सकते हो, खाना खा सकते हो। उहदे बाद यस्सू ने कहा सी जागते रहो और ताकि आजमाइश में, किन्हां नूं कहा सी, शागिरदां नूं, आपे गांह जाके दुआ करन लगा ते वापस आए ते शागिरद की करन रहे सन, सुते सन। यस्सू ने आख्या उठो यार, उठो उठो, ते की करो, दुआ करो, ते आपे फिर जाके दुआ करन लगा, वापस आया फिर सुते, तीन वारियां आया। उहदे बाद यस्सू ने कहा अब सोते रहो, देखो मेरा पकड़वाने वाला आ पहुंचा है। मसीह विच मेरे जीसो, अज दी रात दुआ करन दी रात है, दुआ करन दी रात है। मैनूं किसे ने पुछया फादर जी साडे च इतकाफ कोई नहीं, मैं क्या भाई जान अज पाक जुमेरा अज इतकाफ ते बहना जे दुआ करनी जे यस्सू दे नाल, केड़ा इतकाफ लभदे फिरदे हो, मैं क्या अज बहना जे अज यस्सू दे नाल जागना जे इहो ही तुहाडा इतकाफ है, क्योंकि यस्सू ने कहा सी जागते रहो और दुआ करो, कादे वास्ते, ताकि आजमाइश में। मसीह विच मेरे जीसो, अज दी रात यस्सू ने कहा, मैं नहीं कह रहा, यस्सू ने कह रहा जागते रहो और दुआ करो। ड्यूटियां लगियां ने, हाँ जी 12 बजे तक मुख्तलिफ ब्लॉक्स दे जमायतां आन गियां ते दुआ करन गियां, पर तुसी किसे वक्त भी आ सकते हो, थोड़ी देर पाकबास दे बाद असी दुआ करांगे, उहदे बाद चले जाओ खाना छाना खाओ, पर अपनी फैमिली दे नाल आके दुआ जरूर करो, आमीन। याद रखियो अज फैमिली दी दुआ है, फैमिली प्रेयर है, फैमिली नूं रब ने बचाया सी, उन्हें आख्या दरवाजे ते ला दो, दरवाजे कौम दे नहीं सन, दरवाजे घर दे सन,
ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੌਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਲੱਗਾ ਜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਬਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਮਖਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਯਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਬਹਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਯਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨਜਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਕਟਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਸੂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਨੰਬਰ 2, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਬਾਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਾ ਅਤੇ ਖੈਰ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਆਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਦੁਆ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਾਹਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ? ਖੈਰ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਾ ਅਤੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੁਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਾ ਅਤੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਾਪ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰੀ ਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਰਾਈਲੀ ਮਾਂ, ਇਸਰਾਈਲੀ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਬਲਾ 'ਚੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਯਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਗੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ। ਯਹੂਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਾਂ, ਯਹੂਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਯਹੂਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਤਵਾਰ ਸਬਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸਬਤ ਜੇ। ਹਰ ਯਹੂਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਯਹੂਦੀ ਖਾਨਦਾਨ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਘੰਟਾ ਮਾਂ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਘੰਟਾ ਬਾਪ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾ ਹੋਣ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, 2 ਘੰਟੇ ਘਰ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਕਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਜਤਮਾ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਠਦੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਗਿਰਜੇ ਚਲੀ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ। 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ, ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਘਰ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੌਮ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੌਮ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਮਾਲ ਯਸੂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਯਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਅੱਗੇ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਯਸੂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਨੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੋ ਯੇ ਪਿਆਲਾ ਮੁਝਸੇ ਟਲ ਜਾਏ, ਅਗਲਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕਹਿ ਸਨ, ਉਹੀ ਲਫਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਸੂ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਲਦਾਂ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ, ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ, ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ। ਅੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ, ਅੱਛੀ ਕੌਮ ਬਣੇਗੀ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪਾਕ ਇਬਾਦਤ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੇ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਆਮੀਨ।